नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं सपना, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक बहुत ही हेल्थी रेसिपी। आज कोई मैं ड्रिंक नहीं लेके आई, आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी प्रोटीन से भरी हुई है, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन है, इसमें कार्ब्स बहुत कम है, इसलिए ये जो रेसिपी है खाने में भी टेस्टी है और ये रेसिपी आपका बॉडी का वेट भी बहुत जल्दी कम करेगी। सुबह के वक्त हमें ऐसा खाना चाहिए होता है जो खाने में भी अच्छा हो, टेस्टी हो और जो फटाफट बन जाए, जिसमें हमारा टाइम भी ना लगे, क्योंकि हर इंसान मॉर्निंग के वक्त जो जल्दी जल्दी में होता है। तो इसलिए मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ जो हमें कई फ़ायदे पहुँचाएगी हमारे, जो हमें प्रोटीन भी पूरा देगी, हमारे जो कार्ब्स हमें नहीं चाहिए होता वेट लूज़ करने वालों के लिए, वो भी इसमें कम ही है, कार्ब्स भी इसके अंदर कम है। तो इस रेसिपी को ऑफिस गोइंग भी ले सकते हैं, उसे खाएं और आपको 12 बजे से पहले भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि जब भी इसको आप खाएंगे तो ये आपके जो पेट है उसको भरा भरा फील करवाएगी। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हैं, जो मैं इसके अंदर चीज़ डालूंगी उसके अंदर ये ओमेगा फैटी एसिड जो है वो भी है। तो ये जो रेसिपी है लेडीज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक तो ये वेट लूज़ भी करेगी, उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को अच्छा बनाएगी, आपकी स्किन को भी अच्छा बनाएगी, आपके हेयर्स को भी अच्छा बनाएगी। तो इस रेसिपी में मल्टीपर्पस बेनिफिट हैं आपके लिए, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने के लिए। और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और भी जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसको भी प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो इस रेसिपी को किस तरह बनाएंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम आधा कप के करीब ओट्स लेंगे। ये मैंने सिंपल ओट्स लिए हैं, आप मल्टी जो ओट्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके लिए अब मैं इसको अच्छी तरह रोस्ट करूँगी इस ओट्स को, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही इसका पाउडर बनाएंगे तो बनने के बाद ना ये बहुत ऐसे बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाता है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। अगर हम इसको रोस्ट करके बनाते हैं तो ये थोड़ा खाने में अच्छा लगेगा और ऐसे दूध की तरह नहीं बन जाएगा ये, तो इस तरह से बनाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं इसके साथ आपको ओट्स के फ़ायदे भी बताती हूँ। ओट्स ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखता है, इसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम होते हैं, ये ज़्यादा टाइम तक पेट को भरा रखता है और जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती। तो हमारी ये रोस्ट हो गए थे जो ओट्स है, उसके बाद मैंने लिए हैं इसके अंदर 5 बादाम। मैं 5 बादाम ही लेती हूँ पूरे दिन में, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है इन बादाम को। बादाम के बाद मैं ले रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच चिया सीड, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ना डालें, अगर आपके पास है तो ज़रूर इसका यूज़ करें। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच अलसी के बीज। अलसी के बीज में भी ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है, ये लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनका वेट रुक जाता है उनको ये ज़रूर लेने चाहिए। तो इनको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि इनको कच्चा नहीं खाते, इसलिए मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ अच्छी तरह। अब आपको मैं इन तीनों चीज़ें, बादाम और जो हमारे अलसी के बीज हैं और चिया सीड के फ़ायदे बताती हूँ। बादाम में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है और कार्ब्स काफ़ी कम होता है। अलसी और चिया सीड जो होते हैं वज़न को कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन अच्छा करते हैं हमारा। इन दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों को सुस्ती आती है, थका थका फील होता है, सुबह उठते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं होती जिनके अंदर, उनको अपनी डाइट के अंदर अलसी के बीज ज़रूर यूज़ करने चाहिए। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसको कम लें, क्योंकि ये आपका ब्लड जो प्रेशर जो होता है उसको काफ़ी डाउन करते हैं। तो देखिए अब अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँगी इनको, मैंने सब चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर डाल लिया है। मैंने ओट्स भी डाले हैं, बादाम भी डाले हैं, चिया सीड भी डाले हैं, अलसी के बीज भी मैंने डाल लिए हैं। तो इनको अब हम करेंगे ब्लेंडर में, ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि हमें इसका पाउडर चाहिए।
तो देखिए मैंने पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को आप 1 मंथ या 2 मंथ तक फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, आपको डेली इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे आप बनाएं पाउडर को और स्टोर कर लें और जब खाना है तब इसका यूज़ करें। अब जो ये पाउडर है इसको मैं एक पैन के अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम इकट्ठा ही डाल देंगे उसके अंदर लम्ब्स बन जाएंगे, गांठे बन जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना है, इसके अंदर पानी डालना है, धीरे धीरे पानी डालते रहना है। मैंने इसके अंदर 1.5 कप के करीब पानी डाला है। मैं इसको हल्का सा और गर्म कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ, और अब हम इसके अंदर धीरे धीरे पानी ऐड करते रहेंगे और इसको बीच बीच में अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि इसकी गांठें ना बने। देखिए मैं इसके अंदर धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ। हमें पानी के अंदर पाउडर नहीं डालना, हमें जो ये पाउडर बनाया है इसके अंदर हमें पानी डालना है धीरे धीरे। देखिए मैंने अब इसके अंदर पानी डाला है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपको भी इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो मोटा मोटा लगेगा और जब आप खाएंगे तो आपको खाने में थोड़ा अजीब लगेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मेरे स्पून में भी थोड़ा सा लगा है, मैं इसको भी अच्छे से निकाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी। ये जो हम बनाएंगे तो ये बनाने में बड़ा इजी है, जैसे मैंने आपको बताया। आप बना के इसको फ्रिज में स्टोर कर लें पाउडर को, फिर जब बनाना है तब इसको इस तरह से मिक्स करके बना लें। ये जो हम खाएंगे तो ये हमारे पेट को भरा हुआ रखेगा, मगर इसको 8 बजे लेते हैं तो हमें 11-12 बजे से पहले भूख बिल्कुल नहीं लगने वाली। और जो वेट लूज के लिए इसको खा रहे हैं वो, जैसे 12 बजे आपको भूख लगती है तो आप थोड़े से और नट्स ले सकते हैं, क्योंकि नट्स से कभी भी आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। अब ये थोड़ा सा उबाल आया था, मैंने अब इसके अंदर 1 कप के करीब इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि दूध और जो ये पेस्ट है अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम कब तक चलाना है हमें इसके अंदर, जब तक चलाना है जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए। एक उबाल आ जाएगा तो आपकी ये जो रेसिपी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए इसके अंदर अभी उबाल आ गया। इस टाइम पे मैं गैस को बिल्कुल बंद कर दूंगी। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, उस सिचुएशन में आप इसके अंदर ना तो चिया सीड डालेंगे ना अलसी डालेंगे, सिर्फ बादाम डाल के दे सकते हैं। तो मैंने इसको डाली, अब देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर हम थोड़ी किशमिश भी डाल सकते हैं, जिनको शुगर है वो थोड़ी किशमिश डालें 11 बजे से पहले। फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर खा सकते हैं, शुगर वाले, जिनको शुगर नहीं है वो तो किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट का भी काम कर देगा, लंच और डिनर किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं आप। देखा फ्रेंड्स कितना ही ईजी है इस रेसिपी को बनाना, और ये रेसिपी आपका वेट ही कम नहीं करेगी, उसके साथ साथ ही आपको बहुत फ़ायदा भी देगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मात्रा में है और हमें वेट कम करने के लिए भी प्रोटीन ही ज़्यादा लेना चाहिए, कार्ब्स कम लेने चाहिए। तो आपको ये जो मैंने रेसिपी बताई है ये कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे फिर विदा लेती हूँ एक अच्छे से हेल्थ सीक्रेट के साथ, आपकी ले लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।